लेदी खंड चौचरौली में एक नाजायज कब्जे का मामला सामने आया। इस मामले में न केवल नाजायज कब्जे का मामला सामने आया बल्कि प्रशासन के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर को अमल में न लाने का भी आरोप सुभाष चंद पुत्र श्री बाबूराम ने लगा दिया। सुभाष चंद ने यह बताया कि यह कानूनन लड़ाई लड़ते हुए मुझे लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं दिलाया गया। सुभाष चंद ने यह भी कह दिया कि वह यह लड़ाई कानूनन तौर पर जीत चुका है, लेकिन कानून से ही उसे इंसाफ ना मिले तो वह अब कहां जाए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा लेती से सुभाष चंद ने। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। कोर्ट का केस जीतने के बावजूद भी इस जगह पे 94 नंबर पे जो नजायज कब्जा है जी, यो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये कब्जा नहीं हट रहा जी। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब मैं केस जीत चुका हूँ जी, तब भी मेरे को मेरी जगह का कब्जा नहीं मिल रहा, तो इसके लिए और प्रशासन मेरे को आकर ये बताए कि मैं कहाँ जाऊँ और किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ जहाँ मेरे को इंसाफ मिले। नाम सुभाष चंद है जी। पुत्र श्री बाबू राम जी। आपके लेदी गांव के अंदर जो है खेवट नंबर 94 और खेवट नंबर 38 का 5/5 पर जो है नाजायज कब्जे का आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यो जी, जो मतलब 94 नंबर है जी, खसरा नंबर 94 जी, इसकी मैंने 2021 में फरमाइश कराई थी जी। फरमाइश में ये बाड़ियों के लिए आरक्षित है जी जगह, तो 2 साल इसका DRO पर केस चला जी। DRO पर केस चलने के बाद जबकि वो बाड़ियों के लिए आरक्षित है, कागज हमारे पास है जी उस चीज़ का, फरमाइश का भी, तो DRO ने उसका जो मतलब सरपंच के हवाला कर दिया, वो भी सरपंच इसका जो जैसे चाह कर सका जी। तो सरपंच BDO और सेक्रेटरी ने आके वो टीन 8 महीने बाद वो टीन आकर तड़वाई दी जी, पर आज भी उन लोगों का नजायज कब्जा है जी। उस कब्जे के लिए मैंने BDO पे भी 5 दरखास्तें दी हुई हैं जी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद DC के पास भी मैंने 7-8 दरखास्तें दे रखी जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, सब कर दें, करदा कोई नहीं है जी। इसी तरह जी ये जो गड्ढा खाद है जी 38 का 5/2, यो हमने अपने ताऊ के लड़के सोमनाथ उर्फ ओम प्रकाश के पास से 2006 में वो हमारे को उसका कब्जा दे गए थे जी। उसके पास से हमने कुछ आबादी की जगह ली थी जी, भाइयों के पास से उनके, तो यो सोमनाथ उर्फ ओम प्रकाश के नाम कर लेके गड्ढा खाद था जी। तो उन्होंने ये हमारे को दे दिया था, हमारे पिताजी को, श्री बाबू राम जी को जी। तो उस जगह पे फिर हमने जो मान लो लोगों ने नजायज कब्जा कराया जी, करने की कोशिश कर रहे। नजायज कब्जे में मैंने उसकी थाने में दरख्वास्त भी दे रखी जी, और इसमें स्टे हुई हुई है जी। स्टे होने के बावजूद भी लोग उस पर नजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे जी। उसके बारे में सरपंच पर भी कह लिया, BDO पर भी दरख्वास्त दे ली जी, थाने में भी दरख्वास्त दी हुई है जी। इस लड़ाई को लड़ते हुए आपको कितना समय हो चुका है? इस लड़ाई को लड़ते जी मेरे को जो गड्ढे खाद वाली है जी, इसको तो 1.5 साल है गया जी। और जो ये 94 नंबर है जी दोड़ी की, इसको मैंने 2.5 साल है गया जी। और 11वें महीने की 15 तारीख का ऑर्डर होया है जी, कब्जा आज भी दूंगा तू पड़ा जी। BDO ने टीन तड़वा दी थी जी, टीन तड़वाने के बाद आज भी वो वैसी का वैसी उनका कब्जा जो का तू है जी, ना उसमें से वो उठाए रहे जी कुछ भी कबाड़ा, और ना उठाने दे रहे जी। अगर कोई जा तो गाली गलौज करेंगे। शासन और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड? प्रशासन से ये अपील है जी भी मेरी जगह मेरे को वापस मिला जी। अगर जो जगह स्कूल के अंदर जा रही वो स्कूल के अंदर हम दे रहे जी, बाकी उसके बदला मान्य जगह दे दो, कहीं भी दे दो जी, उसके बदला हमारी जगह पूरी कर दो जी। जो 8 मरले जगह है बाड़ियों के लिए आरक्षित है जी, दौड़ी की जगह है जी। या फिर आपके पास मतलब कि ये इसका इसके ऊपर कब्जा करवाया जाए? हाँ, या इसके ऊपर हमारा कब्जा कराया जाए जी। दीवान समुदाय का या सिर्फ आपका ही? ये हमारे मतलब बाबा जी के नाम है जी, ये दौड़ी की जगह जी, पुराने कागजों में भी जी। इसके मैंने पुराने कागज भी कटवाए जी 1954 तक के जी, उसमें हमारे बाबा जी के नाम है, वो मंगता राम वल्द कूड़ा राम जी, ये उनके नाम है जी। तो ये जगह हमारी हमारे को मिलनी चाहिए जी। ये जो गड्ढा खाद की जो मतलब नजायज कब्जा है जी, ये कब्जा हटना चाहिए जी। BDO सेक्रेटरी के पास कई दफ़ा दरखास्तें दे ली जी, कोई सुनवाई नहीं जी। मतलब कि प्रशासन की तरफ से आपको ये कह सकते हैं कि आपने की डील बरती गई है? हाँ, डील बरती गई जी, इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे जी। जब जहाँ भी जहाँ हाँ सब कर दें जी, करता कोई नहीं है जी। सरपंच साहब कह रहे जी भी मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, अगर BDO सेक्रेटरी करा तो कर दो, मैं इस काम ने नहीं करता जी। सरपंच राजेश कुमार है जी लेदी की। हाँ, जो मतलब 94 नंबर है जिस पर
कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं जी। उसके बावजूद भी प्रशासन आपको जो है कब्जा यहाँ पर नहीं दिलवाया जा रहा? नहीं दिलवाया जा रहा जी, कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा जी, ऑर्डर होने के बावजूद भी। कुल मिला के जो है इस केस में जो है लीपापोती की जा रही है, ऐसा कुछ कहना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, इसमें ऐसा मतलब लोग एक दूसरे के वोट की राजनीति रही जी, वोट की राजनीति रही जी। सरपंच ने पहले कह के वोटा ले ली जी, भी हम यो आपका कार्य कराऊंगे, मतलब नजायज कार्य नहीं है जी, जायज कार्य है, ये कार्य फिर भी नहीं हो रहा जी। क्या इस राजनीति में क्या प्रशासन भी बीच में आया? प्रशासन भी बीच में आया है जी। मैं थाने में भी गया जी, डीसी के पास भी मैंने 5-6 दरखास्तें दे रखी जी, कोई सुनवाई नहीं जी। डीसी साहब ने वीडियो साहब के नाम मार्क करी हुई हैं जी, बकायदा मेरे पास उनकी कापियां रखी जी, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं रही जी। 3 मैंने CM विंडो लगा रखी जी, CM विंडो लगाने के बावजूद भी वीडियो सेक्रेटरी कोई आई गई नहीं दे रहे जी किसी तरीके से भी। डीसी का भी नहीं कहना मान रहे, CM खट्टर का भी कहना नहीं मान रहे जी, तो और बताओ ये वीडियो सेक्रेटरी किसका कहना मानेंगे जी। और ये जो गड्ढा खाद है जी, इसमें से इनका ये नजायज़ कब्जा हटना चाहिए। आपने मौका देख लिया, मौके के बावजूद भी आज भी उनकी टीनटप पड़ी वहाँ से, उन्होंने नजायज़ मनियाद भरने की कोशिश करी जी। उनका जो भी वहाँ टीनटप्पा नजायज़ है वो सब खाली होना चाहिए जी, ये जगह खाली करा के मेरे को दी जाए जी। इस पर स्टे भी है जी, कोर्ट की स्टे भी है, स्टे के बावजूद ये नजायज़ कब्जा हो गया है जी।